दिल थाम के बैठिए दोस्तों, आज टॉप 9 इन्फो आपसे रूबरू कराने जा रहा है इंडिया के चमकते सितारे आमिर खान के टॉप 9 बेस्ट मूवीज से। आवर टीम हैड हार्ड टाइम टू काउंट डाउन द बेस्ट 9 मूवीज आउट ऑफ 21 ब्लॉकबस्टर मूवीज। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर ऑफ बॉलीवुड मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान 30 इयर्स से बॉलीवुड पे छाए हुए हैं। पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित आमिर खान एक मेथोडिकल एक्टर है। सो वेलकम टू टॉप 9 इन्फो गाइस, चलो काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 9 पे है गुलाम एंड रंगीला। उनका टपोरी लैंग्वेज, कलरफुल क्लोथ्स, कैप, हाथ में रुमाल, गुलाम का फाइट, रंगीला का पागलपन उनके बेस्ट एक्टिंग को दर्शाता है। दोनों ही मूवीज में आमिर खान की एक्टिंग को अप्रिसिएशन किया गया। आमिर खान की पावर पैक परफॉर्मेंस इन गुलाम वॉज फैबुलस। दोनों ही मूवीज में रोड साइड टपोरी का रोल प्ले किया है, जिसमें उनका दमदार परफॉर्मेंस आज भी रिमार्केबल है। वैसे तो दोनों ही मूवीज का प्लॉट काफी सिंपल था, लेकिन आमिर खान के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से मूवी सुपर हिट हो गई। नंबर 8 पे है कयामत से कयामत तक। ये आमिर खान की फर्स्ट मेनस्ट्रीम मूवी थी और उनकी ये मूवी सुपर हिट हुई। ये एक रोमांटिक मूवी थी जिसे आमिर खान का रोमांटिक साइड दिखा, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। इस मूवी में आमिर खान का परफॉर्मेंस बहुत ही फाइन था। यंग एंड हैंडसम आमिर खान के परफॉर्मेंस को सभी ने अप्रिशिएट किया। फर्स्ट मूवी होने के बावजूद भी आमिर खान का लुक और डायलॉग डिलीवरी बहुत ही मैच्योर था। आमिर के एक्शन और ड्रामा मूवी के बाद अब नंबर है कॉमेडी का। सो नंबर 7 पे है अंदाज अपना अपना। इस मूवी के बाद ही बॉलीवुड में कॉमेडी मूवी का दौर शुरू हुआ। ये मूवी बॉलीवुड की वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी थी, जो आज भी सबकी फेवरेट मूवी है। इस मूवी में आमिर की कॉमेडी टाइमिंग और डायलॉग डिलीवरी बहुत ही कमाल की है। नंबर 6 पे है जो जीता वही सिकंदर। देहरादून की खूबसूरत वादियों में बनी ये मूवी को आज भी सभी एज ग्रुप के लोग पसंद करते हैं। कंपटीशन, राइवलरी और प्यार से भरी ये मूवी केयरफ्री यंग मैन संजय से मेंटली एंड फिजिकली ट्रांसफॉर्म संजय की इस स्टोरी में आमिर खान का परफेक्शन दिखा था। इस मूवी में एल्डर ब्रदर एंड फादर के साथ की बॉन्डिंग भी दिखाई गई है, जिसे आमिर खान ने बखूबी निभाया है। और क्लाइमेक्स में आमिर का साइकिल रेस कमाल का है, जिसे आमिर खान ने परफेक्टली प्ले किया है और ये मूवी यादगार बन गई। नंबर 5 पे है दिल चाहता है और रंग दे बसंती। दिल चाहता है कॉमेडी ड्रामा मूवी थी और रंग दे बसंती पैट्रियोटिक ड्रामा थी। आमिर खान अपने कैरेक्टर के लिए काफी रिसर्च एंड हार्डवर्क करते हैं और दोनों ही मूवीज में आमिर का लुक बहुत पॉपुलर हुआ था। दोनों ही मूवीज फ्रेंडशिप पे थी और आमिर ने दोनों ही मूवीज में यंगस्टर का रोल किया, जो बहुत ही सूटेबल था। नंबर 4 पे है दंगल। दंगल एक बायोपिक मूवी थी जिसने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड धमाका किया। आमिर खान ने एक बार फिर प्रूफ कर दिया कि क्यों वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है। आमिर खान का इस मूवी में परफॉर्मेंस बहुत ही उमदा लेवल का था। उनका डेडिकेशन, हार्ड वर्क, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन रियल कैरेक्टर महावीर सिंह फोगट से मैच करता है। इस मूवी ने तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए थे। वीकेंड पे सबसे ज्यादा कमाई हो या ओवरसीज में कमाई हो, स्पेशली चाइना में आमिर खान के कैरेक्टर को बहुत पसंद किया गया। नंबर 3 पे है लगान। ऑस्कर नॉमिनेटेड ये मूवी आमिर खान के करियर की ब्लॉकबस्टर मूवी है और आमिर खान ने जिस तरह भुवन के कैरेक्टर को प्ले किया वो काफी रियलिस्टिक था। लगान एक पीरियोडिक मूवी थी जिसमें आमिर खान के कैरेक्टर का अपीयरेंस बहुत इम्पोर्टेंट था, जैसे आमिर का लुक्स, वॉकिंग स्टाइल, लैंग्वेज, और आमिर ने उसके लिए बहुत हार्डवर्क किया, जो स्क्रीन पे उनके कैरेक्टर के पर्सनैलिटी में बिल्कुल फिट हुआ। नंबर 2 पे है थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स एक रिमार्केबल ब्लॉकबस्टर मूवी थी जो अपने टाइम से आगे थी।
ये एक कॉमेडी मूवी होने के साथ साथ उसके स्ट्रॉन्ग एक्टिंग, मेमोरेबल कैरेक्टर के लिए भी जानी गई। हाईली मोटिवेटेड इस मूवी को हर जनरेशन के ऑडियंस ने पसंद किया। 2009 में रिलीज ये मूवी चेतन भगत के नॉवल पे बेस्ड है, जिसमें आमिर खान रूल ब्रेकर रैंचो बने हैं। ये मूवी इंडिया के साथ साथ चाइना में भी काफी पॉपुलर हुई, जो एक रिकॉर्ड है। आमिर खान ने उनके कैरेक्टर रैंचो के लिए काफी रिसर्च एंड मेहनत किया था, जो स्क्रीन पे दिखा है। इस मूवी में इंडियन एजुकेशनल सिस्टम के बारे में बताया गया है और लाइफ में अपने पैशन को फॉलो करो ये भी दिखाया गया है। और आमिर खान ने बताया है कि उनका पैशन इंजीनियरिंग है, सो उसमें सक्सेसफुल है, और जब आप अपना पैशन फॉलो करोगे तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। नंबर वन पे है तारे जमीन पर। इस मूवी में आमिर खान आर्ट टीचर बने हैं, जिसमें एक स्टूडेंट को डिस्लेक्सिया होता है। इस मूवी में आमिर खान का परफॉर्मेंस काफी बैलेंस्ड है, जो ऑडियंस को कनेक्ट करता है। बेसिकली इस मूवी से सोसाइटी को मैसेज देने की कोशिश की गई है, जिसमें एक टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन और पेरेंट्स एंड चाइल्ड का रिलेशन दिखाया गया है। एक्चुअली हम हमारे लाइफ में निकुम जैसे सपोर्टिंग टीचर अपने चाइल्ड के लिए चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ही मिलते हैं जो ईशान जैसे चाइल्ड के अंदर भी उनका हिडन टैलेंट देखते हैं और सपोर्ट करते हैं। ये मूवी एक मास्टरपीस मूवी थी, जिसमें आमिर खान ने इनोसेंसी के साथ अपने रोल को निभाया है, जिसमें ऑडियंस भी इमोशनली एंड मेंटली उनके और ईशान के कैरेक्टर से इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। That's it for today, guys. I hope आपने Top 9 Info enjoy किया है. And if you did, please subscribe to our channel and hit the bell icon. Bye-bye.